शूट कर रहा है, दिख रहा हूँ, दिख रहा हूँ। अलग चालू हो गया है, मतलब मेरे को हमेशा से ऐसा है कि हाँ भाई मैं आता हूँ, देखता हूँ एक बार क्या है क्या। आते सब कुरला उरला के आईबा लोग आते, मैंने रील वील में देखा है, वो लोग आते कुछ कुछ एड़े शाले करते। कोई बात नहीं, जय हिंद, जय भूत, जय भारत। How's it going? It's your savage boy Ronak. Cool. Wait. Okay, so boys and girls, ki hal chal. I hope सब कुछ ठीक है, as always, as usual. अपना तो सब मस्त चल रहा है. हाँ, मस्त ही चल रहा है वैसे सब कुछ. Tension free. रहते हम tension रहने के बावजूद भी. तो हाँ, वैसे happy Independence Day to you all. तो सब लोग को बहुत ही ज़्यादा शुभकामनाएं। वी आर प्राउड टू बी एन इंडियन, हमें हमारी कंट्री पे गर्व होना चाहिए, जो कि सबको होता है, और जिसको नहीं है उसको भी होना चाहिए, क्योंकि अपनी कंट्री जैसा दूसरा कोई कंट्री नहीं है। अभी उसके बारे में तुमको बोलने चाहो तो पूरा व्लॉग यहीं पे समाप्त हो जाएगा। तो हाँ, लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज का ब्लॉग अच्छा होगा, जैसे कि हमेशा का हर ब्लॉग होता है। हम लोग जा रहे हैं सिल्ली को मिलने, बहुत सारे प्लान है, जाना है पहले फुटबॉल का मैच देखने नेविल डिसूजा में, वहाँ पे इंडिपेंडेंस डे कब चल रहा है वो देखते हैं पहले क्या है क्या नहीं। तो लेट्स गो। ओके, तो दिस इज अभिषेक। दोनों की हालत थोड़ी नींद वाली, क्योंकि आज सिल्ली का तो ऑफिस से छुट्टी, उसके लिए पूरा दिन वो सोया था, फॉर श्योर सोया था ना तू। तो हम लोग वहाँ पे व्लॉग स्टार्ट करने वाले थे पीछे, बट सिल्ली की फट गई। सिल्ली बोला नहीं भाई ये जगह पनौती है, उसके लिए वहाँ पे कैमरा उठाया नहीं हम लोगों ने। तो हम लोग जब भी एक ग्राउंड पे आते ना नेविल डिसूजा पे, तो डर लगता है थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग के कुछ हुआ था एक टाइम पहले, 1.5 साल हो गया रहेगा ना उसको सिल्ली। तो अभी चल रहा है वहाँ पे इंडिपेंडेंस कप, तो हम लोग बस वही देखने जा रहे हैं। एंड सिल्ली की मैच है कुछ 40 मिनट्स में, तो हम लोगों को फटाक से यहाँ से देख के घर पे जाना है, सिल्ली को चेंज करना है, फिर निकलना है मनोहर जोशी के लिए, जो है एक फुटबॉल टर्फ, वहाँ पे सिल्ली का मैच है। मेरा भी हो सकता था बट मैं इंजर्ड, उसके लिए खेल नहीं रहा हूँ। नेविल डिसूजा तो हम लोग निकल गए, क्योंकि वहाँ पे जो फाइनल मैच थी उसको थोड़ा टाइम है स्टार्ट होने के लिए, तो तब तक सोचा कि अभिषेक की मैच आके देख लेते हैं, मतलब सिल्ली की मैच यहाँ पे खेल रहे लोग सब लोग। जैसे कि एज यू ऑल नो आज इंडिपेंडेंस डे है, तो मी एंड माय टीम दी 37 हम लोग एक फोटो सेशन के लिए रुके हुए हैं। तो आदेश पे कैमरा मारी हो, देखिए तो मैच खत्म हो चुका है। बीच में 5-10 मिनट के मैं भी गया था खेलने, उसके लिए मेरी हालत थोड़ी ऐसी होती, तो बिना किट का गया था ऐसे ही, पैर पे एक तो लगा हुआ है, फिर भी गया था। तो हाँ, अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से घर पे फ्रेश होके चेंज करके हम लोग मरीन्स कोलाबा वगैरह जाते हैं, तो लास्ट तक वीडियो देखना छोड़ना मत। जाके चेंज करके हम लोग नीचे आ गए, अभिषेक का फिर से वेट किया जा रहा है, एज ऑलवेज बहुत लेट करता है वो। तो अब बज रहा है कुछ 9:30 एंड पता नहीं हम लोग क्या जाके क्या कैप्चर करने वाले, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। वो आ ही रहा है निमार जी यार, से हाय टू द व्लॉग। अरे हम तो नहीं दिख रहे साला, दिख रहा है ना, काला हो गया हम तो, उतना चलते हैं, नहीं कुछ काला है। कहाँ गए थे तुम लंगड़े? जा रहे हैं हम लोग। तो हमेशा की तरह एज ऑलवेज सिल्ली लेट हो गया, लेट ही आया मैं नीचे, मैं नीचे रुका था कब से, मैं और निमार लेट आया। कॉल भी नहीं किया, अरे टेक्स्ट किया ना मैं, देखो टेक्स्ट किया, टेक्स्ट किया, कॉल भी किया, कॉल किया ना मैं तेरा सामने था। अच्छा, मैं टेक्स्ट किया था, मैं निमार के नीचे बात कर रहा था, उतने में
बोला कि इसको टेक्स्ट करके रखता हूँ। हम लोग ने बोला था 8:30 को निकलेंगे, निकलते निकलते 9:30 हो गए, 9:30 के ऊपर ही हो गए। हर जगह सजाया तो गया है। पहले तो हम लोग को दादर जाने का, दादर हाँ वो भी अच्छा है। दादर जाने का, दादर में ओम शिवलकर करके जो अपना C5 स्ट्राइकर्स का दोस्त है उसको शूज़ देने गए सर। कल कुछ मैच वैच है तो शूज़ देने के बाद हम लोग निकल जाएंगे मरीज। पानी लेके पहुँच गए ओम के एरिया में, दादर से आगे प्रभा देवी साइड में। उसको गधे को शूज़ देना है। और ना इसका कैसा हाल है, लास्ट टाइम जब ये सिद्धू मेरे को लेकर आया था ना एरिया पे, तब ये बिल्डिंग के सामने परफेक्टली तरह ना कंस्ट्रक्शन चल रहा था, मतलब रास्ता ही नहीं था, खुदा हुआ था। उसके लिए मैं लास्ट टाइम आया था ना, पूरा घूम गया था, भटक गया था। अरे वॉचमैन का पानी पिला रहे हम लोग। हम लोग यार मरीन्स हैं और यहाँ पे ओम को दे दिया गया है शूज। नरीमन पॉइंट के साइड में रुके, मरीन्स तो पैक है, यहाँ पे भी पूरा ही पैक है, हर जगह पब्लिक एज ऑलवेज। एंड वहाँ पे एक्चुअली हम लोग को पार्किंग वगैरह नहीं मिल रही थी, बट कैसे तो हम लोग ने जहाँ पे कार पार्क होता है वहाँ पे अपना बाइक लगा दिए और भाग के यहाँ पे आ गए। अभी वो भाई पकड़ेगा हम लोग को और बोलेगा 30 रुपये दो, लेता है लोग चार्जेस, पार्किंग चार्जेस लेता है। ऐसे यहाँ पे इतना कुछ नहीं है लास्ट ईयर जैसा, लास्ट ईयर बहुत मस्त था ना, इस टाइम यहाँ पे नहीं है तो कुछ नहीं। यहाँ पे थोड़ा हल्का फुल्का घूम के हम लोग जाते हैं कोलाबा। ब्रो ये है और ट्राइडेंट, वो है ट्राइडेंट के सामने का आपने देखा हो, अच्छा लग रहा था यहाँ पे से, वो दिख नहीं रहा। मरीन्स और नरीमन पॉइंट पे ना संडे को एक कुछ तो कुछ अलग चालू हो गया है। मतलब मेरे को हमेशा से ऐसा है कि हाँ भाई मैं आता हूँ, देखता हूँ एक बार क्या है क्या नहीं है, बट मेरे को देखने ही नहीं मिल रहा है, वो एक्सपीरियंस करने ही नहीं मिल रहा है। लोग आते हैं सब कुरला के आईबा लोग आते हैं, मैंने रील वील में देखा है, वो लोग आते कुछ एडे शाले करते। चला ले तू, चला ले, संडे को आएंगे इधर, वो जो संडे को एडे शाले होता है ना वो करेंगे, हम भी लोगों के साथ प्रैंक वैंक करेंगे। हम लोग अगर मरीन जाते हैं तो हम लोग को क्या करना चाहिए, मरीन आके अरे सिल्ली हम लोग क्या करना चाहिए, हम लोग को क्या वो बोर्ड लेके खड़ा होना चाहिए, फ्री हग्स। अभी ना पब्लिक वो बॉडी बिल्डर लोग गया था, पीछे पहचान वाला बॉडी बिल्डर लोग है गया, वो फ्री हग्स लगा के और उधर ऐसा खड़ा है, कोई आ रहा ही नहीं है उधर। तो हमेशा की तरह होप्स थोड़ा कम रखो तो बेटर है, लाइफ लेसन देते रहते हैं हम लोग अपने ब्लॉग में। तो प्रवचन तो वहाँ से निकल के हम लोग सीधा माही मार गए वेज खाना खाने के लिए। वहाँ पे सब कुछ चिकन था तो हम लोग ने सोचा कि वेज कहाँ मिलेगा, तो हम लोग ने डिसाइड किया चलो अपने यहाँ पे जाके खाते हैं। एंड सिल्ली को वेज खाना पड़ा।
तो बस दैट्स इट फॉर टुडे, ये व्लॉग यही पेन करना पड़ेगा क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी। तो रेस्ट द कूल बेबी, पीस, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बाय बाय।